और एक बड़ी खूबसूरत ज़बूर के साथ तेरियाँ सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे जो हम सीखेंगे और आज गाएंगे, खुदा उनके कलाम मुकद्दस को सीखेंगे और प्रस्तिश को करेंगे और खुदा उनको खुश करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा उन है ही इस लायक कि उसकी प्रस्तिश की जाए। वो सारी दुनिया के मबूदों से आला है, सारी दुनिया के मबूदों से बड़ा मबूद है, और उसके आगे चाहे को ख्वा आसमानियों का हो ख्वा ज़मीनियों का, हर एक घुटना उस यीशु नाम के आगे झुकता है। वहाँ हम गाएंगे, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है ये। तेरिया सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरिया सिफ़तां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगे रीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगे रीत करना शुक्र खुदा। वड़े ते वेले शफ़क़त तेरी, राते वेले रहमत तेरी, वड़े ते वेले शफ़क़त तेरी, राते वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगे रीत करना शुक्र खुदा। मेरा ईमान है कि ज़रूर आपने बरकत हासिल की होगी। तो आज मैं दुआ करूंगा उन तमाम बहन भाई के लिए जो किसी भी तरह से मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है। सो आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। बाप आसमानी यीशु के नाम से तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे मुबारक खुदावंद है, तुझे सलाह खुदा के तेरी प्रस्तिश की जा सके खुदावंद। तमाम बहन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, जो किसी भी तरह से मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, यीशु के नाम से बंधन टूटे, जुए टूटे, खुदावंद लोग आज़ाद हों और खुदावंद मखलसी निजात हासिल करें यीशु के नाम से। जिस जिस शोबे में भी काम कर रहे हैं खुदावंद, उन तमाम खुदावंद यीशु शोबों से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद चाहे जो भी कारोबार कर रहे हैं तेरे लोग, खुदावंद तुझ में रह कर करें, तुझसे डर कर करें और तेरा नाम जलाल पाए। तमाम बीमारों के लिए जो खुदावंद यीशु बीमार हैं, लाचार हैं, मजदूर हैं, परेशान हैं किसी वजह से, खुदावंद तू ही तसल्ली, तू ही कुव्वत देता है खुदावंद, अपने लोगों को बरकत देता है, तेरी मिन्नत करते हैं, बड़ी बरकत देना मांग लेते तेरे बीठे और जलाली नाम से दुआ। तो मेरे जीज़ो खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि हमें से एक एक ने ज़रूर बरकत हासिल की होगी। अपना ख्याल रखें और हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहें, इन पैगामात को सीखते रहें, सुनते रहें और ज़रूर दूसरे बहन भाई के साथ भी शेयर किया करें। और खुदावंद हम सबको बरकत दे, इसी तरह हर रोज़ खुदावंद के साथ लेते रहें। लोग आज कहते हैं कि जी ज़रूरी नहीं है कि खुदावंद जब आप हारमोनी पर गीत गाएंगे या आप सिखाएंगे। अक्सर लोग बाज़कत कहते हैं कि जी खुदा ने कहाँ पर कहा है कि हारमोनी पर लोगों को बजाना सिखाएं। सो ये काम इल्मी होती है, लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते नहीं। खुदावंद ने हैकल में कारीगर रखे हुए थे। कारीगर की मैं बात कर रहा हूँ, कारीगर किसको कहते हैं, जो प्रॉपर सीखे होते हैं, मजे हुए लोग, सीखे हुए लोग जो थे वो हैकल में थे, जो साजों को बजाते थे, जो गवैये थे, जो गाते थे वहाँ पर, परस्तार थे जो। और हमारा खुदावंद तो खुद ढूंढ रहा है परस्तारों को। तो मेरे चीज़ो बड़ा ज़रूरी है आप गाए बजाएं, खुदावंद के जलाल के लिए गाए बजाएं, सीखें और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और इससे बस यीशु का नाम जलाल की बात आ जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।